नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गोपाल। हमारा किचन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे अप्पेल की कबाब। तो दोस्तों अप्पेल कबाब या अप्पेल कोफ्ता कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस अप्पेल को नाइसली चॉप करके कटिंग कर लेते हैं। अब हम धीरे धीरे ये सारे अप्पेल को नाइस करके चॉप कर लेंगे। आपको रेड अप्पेल और ग्रीन अप्पेल को अच्छा से नाइस करके चॉप करना है। तो दोस्तों देख रहे हैं, मैंने अप्पेल कबाब के लिए अप्पेल को नाइसली चॉप कर लिया है और यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लिया है। तो आपको सबसे पहले मिक्सर बनाना है। तो देख रहे हैं अप्पेल रेडी है। मिक्सर के लिए यहाँ पर मैंने लिया है चॉप रेड चेरी, पिस्ता, कैसुनेट, टूटी फूटी आलमंड। आपको ये सारे वेराइटीज ऑफ नट्स लेना है और नाइसली चॉप करके धीरे धीरे इसमें ऐड करना है। नेक्स्ट ऐड करना है थोड़ा सा ब्राउन अनियन, करेंगे चिल्ली फ्लेक्स, नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, नेक्स्ट ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन कार्डमम पाउडर। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छा से मिक्स करना है। तो देख रहे हैं हमारा अप्पेल कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मिक्सर तैयार है। दोस्तों नेक्स्ट आपको लेना है खोआ। आप कितना क्वांटिटी का बना रहे हैं उसका हिसाब से आपको खोया लेना है और इसे अच्छा से ग्रेट करके मैश कर लेना है। तो सबसे पहले हम खोया को अच्छा से ग्रेट कर लेंगे। मैंने खोया को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसी डिश पे ये देख रहे पोटैटो भी अच्छा से ग्रेट कर लेंगे। आपको क्या करना है, धीरे धीरे चार या पांच पोटैटो अच्छा से ग्रेट करना है। तो दोस्तों देख रहे मैंने बॉयल आलू को भी अच्छा से ग्रेट कर लिया है। अब लेंगे 200 ग्राम करीब पनीर। अब हम इस पनीर को भी अच्छा से इस बर्तन में घिस के ग्रेट कर लेंगे। तो देख रहे हैं मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छा से ग्रेट कर लिया है। चलो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रीन कार्डमम पाउडर और ऐड कर लेंगे थोड़ा सा मैदा फ्लोर। अब आपको क्या करना है, इसे अच्छा से मिक्स करके मसाज करके पूरा मैश कर लेना है। मैंने कैसे स्मूथ करके इसे अच्छा से मसाज करके खोया का इस मिक्सर को मैंने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसे थोड़ा थोड़ा लेना है, सेम देख रहे हैं ऐसा बॉल जैसा बनाना है और बीच में ऐसे ही कर लीजिए। देख रहे मैंने कैसा कर रहा हूँ, आपको सेम ऐसा ही बनाना है और इसका बीच में ये मिक्सर रखना है। देख रहे थोड़ा थोड़ा करके ऐसा मिक्सर रखना है और आपको कोफ्ता का शेप में देख रहे ऐसा बॉल करके कोफ्ता का शेप में इसे अच्छा से कोफ्ता जैसा देख रहे ना, मैंने कैसा घुमा घुमा के बना रहा हूँ, आपको सेम ऐसा ही कोफ्ता जैसा बनाना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, धीरे धीरे सेम ऐसा ही सारे अप्पेल का कोफ्ता बना लेना है। तो दोस्तों कोफ्ता रेडी। अब बारी है फ्राई करने का। फ्राई करने का भी यहाँ तकलीफ है, आपको ऑयल एकदम ठंडा खाली हल्का गर्म होने का, वही हल्का गर्म ऑयल पे आपको इसे फ्राई करना है। ठीक है, ज़्यादा हीट ऑयल पे नहीं, स्लो हीट पे आपको अच्छा से गोल्डन कलर करके फ्राई करना है। तो दोस्तों देख रहे हमारा अप्पेल कोफ्ता फ्राई हो चुका है, देख रहे पूरा मस्त का सॉफ्ट गुलाब जामुन जैसा कोफ्ता फ्राई डन। अब बारी है प्रेजेंटेशन का। सबसे पहले प्लेट का बीचों बीच में मिंट चटनी डाल के अच्छा से गार्निश कर लेंगे। तो आपको सेम ऐसा ही प्लेट तैयार करना है और धीरे धीरे कबाब लेना है, प्लेट में अच्छा से अरेंज करना है। देख रहे हैं
मैंने कैसे अरेंज कर रहा हूँ, आपको सेम वन बाय वन करके कबाब को अच्छा से अरेंज करना है, और ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्रीन एप्पल जैम। करना है आपका मनपसंद गार्निश कर लेना। ये देख रहे कबाब मसाला पाउडर है यहाँ। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये एप्पल कोफ्ता कबाब का रेसिपी और प्रेजेंटेशन?